उधर मुजफ्फरपुर जिला में आरजेडी के नेताओं ने आज अपने संगठन का फिर से विस्तार किया है। उधर मुजफ्फरपुर जिला के राष्ट्रीय जनता दल के जुरन छपरा में स्थित पार्टी कार्यालय में आरजेडी के जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता एवं गायघाट विधायक सह प्रधान महासचिव निरंजन राय ने मुजफ्फरपुर के राष्ट्रीय जनता दल का विस्तार किया। पंचायत राज प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष के पद पर मोहम्मद आफताब आलम को मनोनीत किया गया है। मोहम्मद आफताब आलम बंदरा में पूर्व जिला पार्षद हैं। उधर शिल्पकला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष के पद पर राजकिशोर प्रजापति उर्फ राजा शिल्पी को मनोनयन पत्र सौंपा गया। वहीं जिला राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष के पद पर मोहम्मद गाजी शाहनवाज को मनोनयन पत्र दिया गया है। इस मौके पर आरजेडी के जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता ने कहा कि इनके मनोनयन से पार्टी और भी सशक्त तथा धारदार होगा। गायघाट विधायक सह जिला राजद के प्रधान महासचिव निरंजन राय ने कहा कि इनके मनोनयन से राष्ट्रीय जनता दल ग्रामीण स्तर पर और मजबूत होगी तथा सभी समाज के लोगों का पार्टी में उचित प्रतिनिधित्व भी होगा। आपको बता दें कि इस दौरान अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष मोहम्मद सज्जाद, श्री रामनाथ चंद्रवंशी, मोहम्मद अली मुद्दीन, मोहम्मद रियाज नसरुल, मोहम्मद अली अहमद, पंकज सहनी, अविनाश यादव समेत दर्जनों पार्टी पदाधिकारी मौजूद थे।